बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका रात को ग्यारह बज रहे हैं वेलकम ऑल ऑफ यू वेलकम वेलकम माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकाडमी एंड वी आर लाइव वी आर लाइव अगेन सो इट्स लेक्चर नंबर नाइन इट लेक्चर नंबर नाइन और 200 से ज्यादा प्रमी सर के लाइव सेशन हो चुके हैं 200 से ज्यादा सर के लाइव सेशन हो रखे हैं मेरे भाई वेलकम ऑल ऑफ यू जल्दी से यार इस सेशन को शेयर करो फटाफट से जल्दी से इस सेशन को सबसे पहले शेयर करो जितने भी लोग लाइव हो वेलकम एवरीबडी दो इंट्रोडक्शन अबाउट इज प्रमीत लवास एजुकेटर एट एन अकेडमी फॉर गेट एन एसी गेट एंड डिजिटल कोच वेलकम प्रणाम नमस्ते जय हिंद दोस्तों और जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो जय क्रेटरिक्स जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो जय क्रेटरिक्स जय क्रेटरिक्स अन अकाडमी की जय हो फटाफट से पीछे देखो अन अकाडमी अन अकेडमी सब तरफ लिखा हुआ है पीछे सब जगह अन अकाडमी अन अकाडमी लिखा हुआ है तो अन की जय हो जल्दी से लिख दो ये नया सेटअप है ये नया सेटअप है चलो तो कंट्रोल सिस्टम पीवाई क्यों हम लोग पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप आज बात करना चाहो प्रमीश सर से कुछ भी तो बात कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू टॉक विद प्रमी सर यू कैन टॉक टू मी नी टाइम वेलकम माई डियर फ्रेंड्स वेलकम ये आज नए तरीके से प्रमित सर लाइव आए नया बैकग्राउंड चूज किया है तो इफ यू टॉक टू मीफ यूटॉक रिगार्डिंग गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री इफ यू आर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट अगर आप गेट और रीएसी एस्पेरेंट है मेरे भाई तो वेलकम टू तो एन अकाडमी टी शर्ट पर लिखा हुआ है प्रमित सर के वेलकम टू एन अकेडमी एंड बी आर लाइफ If you want to ask anything, if you want to ask anything regarding gate 2021, 2022 and 2023, or about ESE Engineering service Examination, you can ask me. I am there to help you, my dear friends. I am there to help you. कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पूछना हो मेरे भाई, कुछ भी पूछना पूछ सकते हो. Anything, you can ask me anything. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं है ना फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई चलिए चार लोग लाइव है जितने भी लोग लाइव हो एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप कर दो यार जितने भी लोग लाइव हो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट फटाफट टाइप करो कि वी आर लाइव जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन वी आर लाइव जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन वी आर लाइव और जल्दी से यार अपने दोस्तों को शेयर कर दो रात के ग्यारह बजे वेलकम एवरीबडी एंड वी आर लाइव चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं मैं स्टार्ट करता हूं कंट्रोल का पीवाई क्यू उससे पहले अगर आप कुछ भी बात करना चाहते हो प्रमी सर से तो बात कर सकते हो आई एम देयर टू हेल्प यू चलिए तो लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट द टॉपिक देखो ये जो मैं इधर उधर मूवमेंट करता हूं ना ये अलाउ होता है ये मूवमेंट मैं कर सकता हूं पहले बताओ ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है पीछे वाला चलो सो ट स्टार्ट विद द कंट्रोल सिस्टम माई डियर फ्रेंड्स कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल सिस्टम हम लोग स्टार्ट करते हैं पी वाई क्यों हम लोग पढ़ रहे थे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए पी वाई क्यों हम लोग पढ़ रहे थे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए माई डियर फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ठीक है ना देखो तो हम लोग क्या क्या अभी तक कवर कर चुके हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद आज जो हम करने वाले हैं आज जो हम करने वाले हैं वो भी बता देता हूँ ब्लॉक डायग्राम सिग्नल फ्लोग्राफ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं स्टेबिलिटी हम लोग कंप्लीट कर लिए कंपनसेटर कंट्रोलर हम लोग कंप्लीट कर लिए रूट लोकस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस बोर्ड प्लॉट नाइक्विस प्लॉट स्टेट स्पेस एंड प्रोसेस कंट्रोल ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे तो आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस गेन मार्जिन फेज मार्जिन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी गेंद क्रॉस ओवर फ्रीकवेंसी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और कल कुछ न्यूमेरिकल बच गए थे आपके 2020 के दो तीन वो वाले निपटाएंगे ठीक है ना जितने भी कल न्यूमेरिकल बच गए थे, थे आप गेट 2020 के वो सारे न्यूमेरिकल आज हम लोग कर लेंगे वो सारे न्यूमेरिकल हम लोग आज कर लेंगे ठीक है चलिए तो फटाफट से मैं स्टार्ट करता हूं फटाफट से मैं लोग स्टार्ट करता प्रणाम 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 सो so, विशाल इज देयर मुन्ना कुमार इज देयर रजनीश कुमार मोहिनी जादव एंड कुणाल बिंद इज देयर ओके सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ गेट 2020 थाउजेंड ट्वेंटी माई डियर फ्रेंड्स दो का पहला क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं ये गेट 2020 में आया हुआ है 2020 में आया हुआ है मेरे भाई दो मार्क का क्वेश्चन है देखो क्या है क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन देखो क्या है 2020 का क्वेश्चन है मेरे भाई गेट 2020 का क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है देख लीजिए द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय जी एस एच एस एंड दैट इज गिवन बाय के अपॉन एस एस प्लस टू एस प्लस सिक्स ठीक है

ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है गेट दो हजार बीस का बताओ आई वॉन्ट दी आंसर फास्ट द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन था न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था एनईटी था एनईटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जल्दी से आंसर बता दो आई वॉन्ट दी आंसर्स फास्ट माई डियर फ्रेंड्स के की वैल्यू कितनी आ रही है ब्रेकअवे पॉइंट पर सर अभी जो सिलेबस था वो गेट का कंट्रोल का था अब क्या पूरा हाँ बेटा वो गेट का कंट्रोल का ही सिलेबस है पूरा जो लिखा हुआ था मेरे यहाँ पर और यार देखो ये बताना बहुत कोई ये बताना ये कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है कि ये सब्जेक्ट इतने वेटेज का आएगा ऑलमोस्ट क्या होता है पिछली बार जितना आया हुआ होता है उसी से मैं अंदाजा लगाता हूँ कि सब्जेक्ट कितना आएगा ठीक है हाँ लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं रहता ऐसा तो एप्टीट्यूड और मैक्स के लिए भी नहीं लिखा हुआ है कि पच्चीस मार्क्स का एप्टीट्यूड और मैक्स आएगा हो सकता है कंप्यूटर साइंस में थर्टी फाइव थर्टी फाइव मार्क्स का भी आया हुआ है तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि एप्टीट्यूड मैक्स ट्वेंटी फाइव का आएगा और सेवेंटी फाइव मार्क्स का टेक्निकल आएगा कुछ भी हो सकता है ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं रहता ठीक है चलो इसको सॉल्व करो माय डियर फ्रेंड्स तो आपको पता है ये सोल्यूशन कैसे लिखोगे इसका वन प्लस जी एस एच एस की वैल्यू जीरो के बराबर है वन प्लस जी एस एच एस की वैल्यू जीरो के बराबर है ठीक है तो आप क्या लिखते हो जी एस एच एस इक्वल्स टू माइनस वन ऐसे ही तो लिखते हो तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे जी एस एच एस का तो वन के बराबर आएगा तो इसी से के की वैल्यू आप निकालते हो के कितना हो जाता है मेरे भाई के अगर यहां से निकालते हो तो कितना हो जाता माइनस एस एस प्लस टू एस प्लस सिक्स ऐसे ही निकालते हो सो इट इज माइनस एस एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस ट्वेल्व इसको सॉल्व करो इट विल कम आउट माइनस ऑफ एस क्यूब प्लस एट एस स्क्र प्लस ट्वेल्व एस नाउ टू फाइंड द ब्रेक अवे पॉइंट वॉट इज ब्रेक अवे पॉइंट डी के बाई डी एस इक्वल टू जीरो और वैसे भी आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे डायरेक्टली कैसे निकालते आप आप देख लेते आप क्या करते मेरे भाई आप ये देखते कि पोल कहाँ कहाँ पर है तो पोल कहाँ पर है मेरे भाई एस इक्वल टू जीरो पर एस इक्वल टू माइनस टू पर और एस इक्वल टू माइनस सिक्स पर पोल है ना तो देखो रियल पार्ट रियल पार्ट लाई कहाँ करता है जीरो और माइनस टू के बीच में और सिक्स के बाद में तो यानी जो ब्रेक अवे पॉइंट है वो जीरो और माइनस टू के बीच में ही तो लाई करेगा ब्रेक अवे पॉइंट जो है देखो ये पोल तो जीरो की तलाश में इधर चला जाएगा यहां पर ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा मुझे नहीं पता कि ये ऊपर ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा हो सकता है ये राइट में चला जाए तो नीचे वाला भी राइट में चला जाएगा वो हमें नहीं पता हमें तो ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है और उस ब्रेक अवे पॉइंट पर यहाँ एक ब्रेक अवे पॉइंट आएगा जीरो और माइनस टू के बीच में तो डी के बाई डी एस को जीरो करो तो जैस बिकम थ्री एस स्क्वेयर प्लस एट टू जस एस प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व कर लो सर आपके पीछे नहीं दिख रहा क्या नहीं दिख रहा अच्छा मेरे पीछे नहीं दिख रहा ओके ओके सॉरी 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 हाँ मैं राइट में बना दूंगा कोई दिक्कत नहीं मैं हटा देता हूं ना हाँ मैं इस बार लेफ्ट में आ गया ना मुझे ध्यान नहीं था कि मैं लेफ्ट में चला गया मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पोल है एस इक्वल टू जीरो एस इक्वल टू माइनस टू और एक पोल है एस इक्वल टू माइनस सिक्स ऐसे ही है ना हाँ तो एक पोल तो माइनस सिक्स से इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा जीरो की तलाश में और ये यहाँ से चलेगा और ये यहाँ से चलेगा तो इस पॉइंट पर ब्रेक अवे पॉइंट आएगा अब मुझे नहीं पता कि ये पोल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा या राइट हाफ या लेफ्ट हाफ में जहां भी जाए हमें उससे मतलब नहीं है हमें उससे मतलब है कि यह ब्रेकअवे पॉइंट क्या होगा ये वाला ब्रेकअवे पॉइंट तो इसको सॉल्व कर लो इसको सॉल्व करोगे जीरो के बराबर तो ये कितना आएगा पोल की वैल्यू कितनी आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए यानी टू एंट टू थ्री इसको सॉल्व करो इसकी दो वैल्यूज आ रही होंगी इसकी दो वैल्यूज आ रही है तो इसकी एक वैल्यू तो आ रही है जीरो पॉइंट नाइन जीरो और एक वैल्यू आएगी माइनस फोर पॉइंट फोर थ्री तो फोर पॉइंट फोर थ्री तो ब्रेक अवे हो ही नहीं सकता तो ब्रेक अवेटी पॉइंट क्या बोल रहा है पर. इस पर K की क्या होगी? तो देखो जब पोल जीरो तो होगी तो के वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ना तो इस पॉइंट पर के वैल्यू निकालनी है तो के वैल्यू कैसे निकालोगे फॉर्मूला तुम्हें पता ही जीएसएचएस इक्वल टू वन पता है ना अभी मैंने तुम्हें बताया ना जीएसएचएस इक्वल टू वन तो जीएसएचएस कितना है के अपॉन एस एस प्लस टू एस प्लस सिक्स और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और वन के बराबर पुट करना है और एस को क्या पुट कर दोगे माइनस पॉइंट नाइन तो इसको पुट कर दो माइनस पॉइंट नाइन माइनस पॉइंट नाइन प्लस टू माइनस पॉइंट नाइन प्लस सिक्स और ये किसके बराबर है वन के बराबर तो के की वैल्यू मुझे बता दो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा मित्रसेन एंड मोहिनी या ब्रेकअवे पॉइंट इज राइट बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एट ब्रेकअवे पॉइंट सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के एट ब्रेक अवे पॉइंट वट इज द वैल्यू ऑफ के के की वैल्यू कितनी आएगी फिल इन द ब्लैंक्स में टाइप करना है के की वैल्यू ये 2020 का क्वेश्चन है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का के की वैल्यू बतानी है ब्रेक अवे पॉइंट पर आपको डायग्राम नहीं बनाना है रूट लोकस का एक्चुअली क्या होता है मैं रोज राइट को दिखता था आपको आज लेफ्ट में दिख रहा हूं स्क्रीन के तो मुझे पता नहीं था कि लेफ्ट में अब मैं राइट में लिख दूंगा कोई दिक्कत नहीं है ना हाँ इसको तो कैमरे का तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ मन करे कर सकते हैं बड़ा भी कर सकते हैं इसको देखो इसको ऐसा भी कर सकते हैं करके बताऊँ ये ऐसा भी हो जाता है ये ऐसे भी हो जाता है देखो सिस्टम ही चेंज हो गया तुम्हारे चक्कर में ये देखो ये ऐसे भी हो जाता है हाँ ये सब हो जाता है मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं होता है यहाँ पे सब हो जाता है लेफ्ट राइट जहाँ ले जाना है ले जाओ कैमरे को हाँ तो तुम भी सीख सकते हो किसी दिन वेबिनार में आना मैं सिखा दूंगा किसी दिन वेबिनार में आओगे तो बता दूंगा ये तुम लोग भी सीख सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वेबिनार में आओगे तो बता दूंगा ये तुम लोग भी सीख सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना हाँ वेबिनार में कभी आओगे तो बता दूंगा चलो 5.049 पॉइंट हाँ तो k इक्वल टू के इक्वल टू फाइव आ रहा है सॉल्व करके देखना k इक्वल टू फाइव आ रही है वैल्यू इसकी k इक्वल टू फाइव आ रही है वैल्यू ठीक है चलो सो दिस इज द आंसर सो दिस इज द आंसर माय डियर फ्रेंड्स ठीक है या फाइव एस भार्गव एंड राकी दश ओके गुड मोहिनी इज ऑल्सो राइट यस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ गेट टू अगेन दो का एक और क्वेश्चन है देख लो 2020 का एक और क्वेश्चन है देख लो सर लेफ्ट में अच्छा होता है आपका पोजीशन तो ठीक है लेफ्ट में रहेंगे अब अब लेफ्ट में रहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू मित्रसेन राइट की जगह लेफ्ट ही ठीक है गेट दो गेट 2020 देख लो गेट 2020 का क्वेश्चन है बेटा ये भी टू मार्क का क्वेश्चन है और एज एट इज क्वेश्चन दो में आया हुआ है एज एट इज क्वेश्चन दो में आया हुआ है बस यहां पर आठ की जगह पॉइंट लिखा हुआ था ठीक है क्वेश्चन देखो क्या है यह आपको आउटपुट दे रखा है बाय और ये इनपुट दे रखा है आर और के अपॉन टावे प्लस वन यूनिटी फीडबैक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है और आपको आउटपुट की वैल्यू दे रखी है ये क्या बोल रहा है टी इक्वल टू इनफिनिटी पर आउटपुट कितना हो सकता है एट के बराबर ये डायग्राम क्या बता रहा है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर आउटपुट कितना हो सकता है एट के बराबर द सिस्टम शोन इन द फिगर ए हैज अ टाइम रेस्पॉन्स वाई टी टू एन इनपुट आर टी इनपुट कितना दे रखा है टेन यू टी इनपुट कितना है टेन यू टी यानी एक स्टेप सिग्नल दे रखा है टेन यू टी का

तो दोस्र लाइव इफ यू आर जस्ट हॉपिंग इन टू द चैनल माई डियर फ्रेंड्स अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई डियर फ्रेंड्स और अगर आपके कोई भी जनरल डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो सेशन के एंड में मैं उनका जवाब दूंगा अभिषेक चावला के इक्वल टू फोर एनी एल्स एनी एल्स वांट्स टू आंसर दिस पार्ट के इक्वल टू फोर किसी और को आंसर देना है इसका और देखो यार प्रमीत सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और वहां से मेरे लाइव अपडेट्स लेते रहना आज भी मैं लाइव आया था इंस्टाग्राम पे काफी लोग आए थे तुम लोग भी आ जाए करो हाँ तो देखो यार बहुत ईजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट निकाल लेते हैं सबसे पहले अपन वाई एस अपॉन आर एस कितना आएगा ओके तारीख आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो आउटपुट अपॉन इनपुट निकाल लो के अपॉन टाउ एस प्लस वन वन प्लस के अपॉन टाओ एस प्लस वन सो इट विल कम आउट टू बी के अपॉन एस टाओ प्लस वन प्लस के आउटपुट अपॉन इनपुट हो गया बेटा हाँ तो मुझे आउटपुट निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा आर एस मल्टीप्लाई बाई के अपॉन एस टाओ प्लस वन प्लस के समझना इनपुट कितना है टेन यूनिटी तो लाप्लास लोगे तो आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन बाई एस तो यहां पर लिखो आर एस को लिखो टेन बाय एस मल्टीप्लाई बाय के अपॉन एस टाओ प्लस वन प्लस के ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई चलो ये क्या दे रखा है समझना बात को ये डायग्राम बोल रहा है कि t टेंस टू इन्फिनिटी पर ये डायग्राम बोल रहा है t टेंस टू इन्फिनिटी पर y t की वैल्यू एट है t टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब होता है स्टडी स्टेट यानी s डोमेन में उसको बोलते हैं s टेंस टू जीरो बोलते हैं या नहीं बोलते हैं हाँ तो आपसे बोल रहा है लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी y t की वैल्यू अगर मैं एस डोमेन में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस वाई एस हाँ बेटा बिल्कुल तो लिमिट एस टेंस टू जीरो लगाओ एस और वाई एस कितना है टेन बाय एस के अपॉन एस टाओ प्लस वन प्लस के तो लिमिट टू टेंटी वाई टी की वैल्यू है बेटा आठ कितनी है एट और ये एस और एस कैंसिल एस को जीरो करो तो ये आ गया टेन के अपॉन वन प्लस के तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो टेन के अपॉन वन प्लस एट के बराबर तो इज़ इज़ सो सो इट बिकम और इन द ब्लैंक्स में आपको न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन में K की क्या लिख देनी है 4. तो बात समझ में आई न, क्या बोल रहा है क्वेश्चन सिंपल सा था इससे सिंपल तो क्या होगा अब बताओ ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं 2020 में कल भी मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया था ये वाला ऐसा एक क्वेश्चन 2008 में भी आया हुआ है ठीक है चलो ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स अच्छा जितने भी लोग लेट जुड़ रहे हैं ना उनको मैं बता दूं जितने भी लोग लेट जुड़ रहे हैं आज एक बैकग्राउंड और बनाया था मैंने तुमने देखा ये वाला तुम लोग लेट जुड़े हो ये बैकग्राउंड देखा था क्या आ, इसको बोलते हैं ग्रेड जैसे वो इंडिया टीवी का प्रचार नहीं होता है हाँ इंडिया टीवी वाले नहीं लगाते इंडिया टीवी इंडिया टीवी इंडिया टीवी इंडिया टीवी बचास जगह लगा देते हैं तो मैंने भी लगा दिया अन अकेडमी अन अकेडमी अन अकेडमी अन अकेडमी तो जल्दी से यार कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो अगर आपको लगता है कि क्रिएटर्स की टीम आपको हेल्प कर रही है अगर आपको लगता है क्रिएटर्स की टीम आपको हेल्प कर रही है तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिख दो अन की जय हो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके लिख दो अन की जय हो चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब वापस से अपन देखो मैंने तुम्हें 2020 के मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए अभी नाइकोस के दो तीन क्वेश्चन और है जो मैं कराऊंगा तो अभी अपन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के क्वेश्चन करेंगे नाइनटीन से स्टार्ट करेंगे ना चलो ये क्वेश्चन तुमने कल भी किया था लेकिन थोड़ा सा चेंज है ये अब ना अब बताओ तुम्हारे पैदा होने से चार साल पीछे चला गया मैं तुम जब पैदा हुए ना 1999 में उससे चार साल पुराना क्वेश्चन है ये थैंक यू कुणाल यार तुम लोग कमेंट करने में इतना कंजूसी क्यों करते हो कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो बैठे बैठे कमेंट ही तो करना है उंगलियां ही तो चलानी है और करना क्या है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद अ ट्रांसफर फंक्शन वन अपॉन वन प्लस एस इज एक्साइटेड बाय अ सिग्नल टेन साइंटी तो यहां फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई वन स्टडी स्टेट आउटपुट विल बी वॉट तुमको मैंने कल भी बताया था ये वाला ये वाला मैंने कल भी बताया था कैसे करना है या आपको दे रखा है एच इसका अगर एस ऑफ जे ओमेगा ले लोगे तो ये हो जाएगा अपॉन प्लस ओमेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालो और फेद एंगल निकालो तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा अंडर रूट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर और फेद एंगल डिनोमिनेटर में आएगा टेन इनवर्स होगा तो न्यूमिनेटर में जाके माइनस टेन ओमेगा और आउटपुट डायरेक्टली निकालने का तरीका क्या है अगर आपको आउटपुट निकालना है तो कैसे निकालते हैं ये पूरा का पूरा टर्म लिखो कहां पर इनपुट की फ्रीक्वेंसी पर ये आपका टेन साइंटी क्या है एक्स टी के बराबर है तो यहाँ पे इसको आप निकाल लो ओमेगा इक्वल टू वन के लिए मैंने बताया था ना इसको सिर्फ सॉल्व कर लो ओमेगा इक्वल टू वन के लिए तो ये हो जाएगा वन बाय रूट टू एंगल माइनस फोर्टी फाइव डिग्री बस कुछ नहीं करना आप इसको पुट करो वन बाय रूट टू एंगल माइनस फोर्टी फाइव डिग्री मल्टीप्लाई बाय द इनपुट इनपुट कितना है टेन साइंटी तो आंसर कितना हो गया टेन बाय रूट टू साइन टी माइनस क्योंकि ओमेगा टी है देखो समझ रहे हो तो इसको रेडियन में लिखना पड़ेगा तो पाई बाय फोर लिख देंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ये सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन एक तरीके से अगर देखा जाए तो कंट्रोल का भी है ठीक है क्लियर है हाँ ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था मैंने आपको बताया था ये दो तीन बार आ चुका है ठीक है हाँ इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया है वो भी दो बार आ चुका है दो में आया दो में आया थोड़ी वैल्यूज चेंज हुई थी बस और कुछ नहीं चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट दार्ट डियर फ्रेंड्स ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ नाइन नाइन सेवन अगेन वन मार्क क्वेश्चन अगेन इट्स अ वन मार्क क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स एक मार्क का क्वेश्चन है क्वेश्चन देखो क्या है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यानी जीएसएचएस आपको दे रखा है आपसे पूछा है गेन मार्जिन निकालो द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम विल बी वॉट सिक्सटीन एट फोर एंड टू तो आपने नाइक्विश प्लॉट और जब पोलर प्लॉट पढ़ा होगा तो वहां दो तीन चीज़ें होती है एक होता है गेन क्रॉस ओवर फ्रीकवेंसी एक होता है फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एक होता है गेन मार्जिन एक होता है फेज मार्जिन ठीक है तो मुझे बताओ कि यहां पर गेन मार्जिन कितना होगा जिन बच्चों को नहीं पता गेन मार्जिन फेज मार्जिन तो समझ लेना देखो तुमने जी निकाला समझ ना पा इसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो और फेज एंगल निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इसका मैग्नीट्यूड हो गया और फेज एंगल कैसे निकालते हो जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा ठीक है तो यहां पर एक टर्म होता है डब्ल्यू पीसी फेस ऑफ फ्रीक्वेंसी तब डिफाइंड होती है जब फेज एंगल माइनस वन एट्टी डिग्री के बराबर हो एक होता है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी तब डिफाइंड होती है जब मैग्नीट्यूड की वैल्यू यूनिटी के बराबर हो ठीक है और एक टर्म होता है यहां पे गेन मार्जिन गेन मार्जिन क्या होता है जीएम एंड दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन मैग्नेट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा और गेन मार्जिन कहां डिफाइंड होता है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे सबको पता ही होगा और फेज मार्जिन कहां पर डिफाइंड है मेरे भाई ये फॉर्मुले सबको पता होने चाहिए ना हाँ फेज मार्जिन क्या होता है वन डिग्री प्लस फेज एंगल ऑफ जी ऑफ ओमेगा एच ऑफ जियोमेगा कहां पर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर तो चार चीजें हैं यहां पर फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जहां पे फेज एंगल माइनस वन एट्टी गेंद क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जहां मैग्नीट्यूड वन के बराबर है गेन मार्जिन वन अपॉन मैग्नीट्यूड एट फेस क्रॉस ओवर फ्रीकवेंसी एंड फेज मार्जिन इज वन एटी डिग्री प्लस फेज एंगल एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी तो ये चार फॉर्मुले आपको पता होंगे ठीक है हाँ क्वेश्चन क्या बोला है गेन मार्जिन निकालना है तो गेन मार्जिन निकाल के बताओ मुझे गेन मार्जिन कहां पे डिफाइंड होता है गेन मार्जिन डिफाइंड होता है फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे तो फेज निकालो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालो और फिर मुझे गेन निकाल के बताओ कितना आएगा आंसर गेन मार्जिन आई वॉन्ट दी आंसर माई डियर फ्रेंड्स जितेंद्र ऑप्शन नंबर सी ओके एनीबडी एल्स ऑप्शन नंबर सी तो आंसर नहीं है इसका अच्छा जो पुराने क्वेश्चन का बता रहे हो क्या अच्छा अच्छा ठीक है इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा गेन मार्जिन सिस्टम का कितना है मेरे भाई Gain मार्जिन what इज द gain मार्जिन my डियर फ्रेंड्स 11 24 हो रहे हैं यार बताओ gain मार्जिन कितना आएगा 8 ओके वनीता यादव वनीता यादव एट ओके okay. anybody एल्स यार देखो बहुत इजी होता है ये आपको जीएसएचएस दे रखा है सबसे पहले इसका निकालो जी ऑफ जी ओमेगा एच ऑफ जी ओमेगा तो वन अपॉन जे ओमेगा प्लस वन का क्यूब यही होगा होगा नहीं होगा अगर मैं इसका मैग्निट्यूड निकालूं, अगर मैं इसका मैग्निट्यूड निकालूं, तो क्या होगा वन अपॉन अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ये क्यूब बाहर है तो क्यूब आएगा ही आएगा अगर मैं इसका फेज एंगल निकाल दू आ... प्रुथिल रातवा सल्यूट सर देर आर फ्यू व्यूअर्स बट यू आर स्टिल टीचिंग तो यार हमारा काम है ना पढ़ाना अब क्या करें पैशन फॉर टीचिंग वाली बात हो जाती है ना पढ़ाना तो है ही बच्चा हो या ना हो हाँ मैं तो ये सोच के पढ़ाता हूँ कि यार वो एक बच्चा जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है बस उसको फायदा हो जाए और कुछ नहीं सोचता हूँ वन अपॉन जी ओमेगा प्लस वन तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे माइनस टेन इन्वर्स ओमेगा तो क्यूब का मतलब तीन बार है ना तो मैं क्या लिख दूंगा इसको माइनस थ्री टेन इनवर्स ओमेगा एक्चुअली तीन बार माइनस टेन इनवर्स ओमेगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा एंड माइनस टेन इनवर्स ओमेगा तो क्या लिख दोगे ये आपका फेज एंगल हो गया ठीक है और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों जहां फेज एंगल आपका माइनस वन एट्टी के बराबर हो तो एट ओमेगा इक्वल टू फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी द फेज एंगल इज वॉट माइनस वन एट्टी डिग्रीज तो इस वाले पार्ट में फेज को माइनस वन एट्टी डिग्री पुट करो और यहाँ पर पुट करो माइनस थ्री टेन इनवर्स ओमेगा को पुट करो ओमेगा पी सी तो माइनस एंड माइनस कैंसिल दिस टेन इनवर्स ओमेगा पी सी बिकम्स सिक्सटी डिग्री और तुम्हें पता है जब सिक्सटी डिग्री हो तो ओमेगा पी सी क्या होता है रूट थ्री अरे टेन सिक्सटी डिग्री कितना होता है यहाँ से सॉल्व कर लो ना टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू ओमेगा पी सी तो कितना होगा रूट थ्री आएगा तभी तो आएगा हाँ तो ओमेगा पीसी की वैल्यू रूट थ्री आ गई मेरे भाई अब समझना मुझे निकालना है गेन मार्जिन तो गेन मार्जिन कैसे निकलेगा गेन मार्जिन इज इक्वल टू वन अपॉन मैग्निट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा एट फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी तो मैग्नीट्यूड इज वॉट मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहां पर दे रही वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब तो ये ऊपर आ जाएगा और कहां पर बच्चों ओमेगा पीसी पर ओमेगा पीसी की वैल्यू कितनी आ रही है रूट थ्री इसको सॉल्व करो अंडर रूट वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो थ्री आ जाएगा ये हो गया क्यूब तो थ्री प्लस वन इज रूट फोर रूट फोर इज टू एंड टू क्यूब इज वॉट एट तो गेन मार्जिन इज वॉट एट गेन मार्जिन इज वॉट एट दिस इज द राइट आंसर सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यस सो मोहिनी इज राइट अभिषेक चावला इज राइट सर स्क्वायर तो है कहाँ पर स्क्वायर तो है भाई कहाँ पर स्क्वायर है नहीं वो गलती से टाइप हो गया होगा ये क्यूब है भाई हाँ वो गलती से टाइप हो गया होगा ये क्यूब है मुझे तो याद रहता है ना बेटा हाँ नहीं नहीं क्यूब है क्यूब है, है क्यूब है अरे क्यूब है उसको क्यूब कर लो भाई वो क्वेश्चन में गलत टाइप हो गया होगा हाँ क्यूब है याद रहता है यार बेटा मुझे तो क्वेश्चन ही याद रहते हैं आंसर भी याद रहते हैं उसको क्यूब कर लेना वन अपॉन एस प्लस वन का क्यूब है वो वो टाइपिंग मिस्टेक थी ठीक है सॉरी फॉर दैट ओके नेक्स्ट पार्ट ओके नेक्स्ट पार्ट अगेन गेट नाइनटीन नाइनटी एट अनादर क्वेश्चन इन नाइनटीन नाइनटी एट एंड क्वेश्चन अ वन मार्क क्वेश्चन ओके कोई बात नहीं राखी कोई बात नहीं ठीक है द फेज मार्जिन ऑफ द सिस्टम

फेज एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा कहां पर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है जब मैग्नीट्यूड वन के बराबर तो पहले तो फेज एंगल निकाल लो फेज एंगल कितना होगा इसका अभी तुमने निकाला ना पिछली बार जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा फेज एंगल कितना है अभी तुमने निकाला ना माइनस टेन इनवर्स ओमेगा माइनस थ्री टेन इनवर्स ओमेगा अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो निकाला हाँ तो इसको क्या लिखोगे वन एटी डिग्री प्लस थ्री टेन इनवर्स ओमेगा और ओमेगा को क्या लिखना है ओमेगा जी सी चलो ये फेज मार्जिन है अब अपन ओमेगा जी सी निकालते हैं ओमेगा जी सी एट ओमेगा जी सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वॉट यूनिटी तो जो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है मेरे भाई जो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है उसको यूनिटी के बराबर कर दो मैग्नीट्यूड को यूनिटी के बराबर कर दो तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा मैग्नीट्यूड कितना है मेरे भाई अंडर रूट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब और उसको यूनिटी के बराबर करना है तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इजिकल टू वन यानी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ रही है यानी ओमेगा भी कितना आ गया जीरो ये आपका हो गया ओमेगा जी सी तो अगर टेन इनवर्स जीरो जीरो हो गया तो ये आंसर क्या हो गया वन एटी डिग्री यानी पाए सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर माई डिफ्रेंड्स चलो यस 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 मोहिनी इज राइट अभिषेक इज राइट राखी इज ऑल्सो राइट चलिए आ जाइए बोर्ड प्लॉट का एक क्वेश्चन है गेट 2000 का गेट ट्वेंटी ट्वेंटी गेट टू थाउजेंड का क्वेश्चन है ये मेरे पीछे वाला ऑप्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं ऑप्शन देख के क्या करना है अभी मुझे एक बच्चे ने बोला कि सर आप लेफ्ट में अच्छा लगते हो तो अब मैं लेफ्ट में ही रहूंगा राइट में नहीं आऊंगा कभी और यार मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना तुम लोग मैंने पहले भी बोला है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो एट द रेट प्रमीत लवास पर तो वहां से तुम्हें मेरे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे आज मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव था अनंता से तो तुम्हें काफी अच्छा व्यू देखने को मिलता है वहां पे रिजॉर्ट का वैली के अंदर रिजॉर्ट था वो हाँ मैं तो करोना में भी घूम रहा हूं देखो हाँ इसका मुझे आंसर बताओ क्या आएगा इसका आंसर कितना आएगा ये बोर्ड प्लॉट आपको दे रहेगा ट्रांसफर फंक्शन मुझे बताना कितना आएगा एक बार कॉन्स्टेंट स्लोप है जीरो डीबी पर टिकट फिर माइनस ट्वेंटी है फिर माइनस फोर्टी है तो मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा है इसका ट्रांसफर फंक्शन कितना आ रहा है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम जी एस एस बॉट कॉल न कौन कौन सी है यहाँ पे टेन और टू फिफ्टी जहाँ पर स्लोप चेंज हो रहा है तो ए बी सी डी में से चार आंसर में से कौन सा आंसर आ रहा है सर आई एम ज्वाइनिंग नाउ ओके तो यू आर फर्स्ट रास निरंजन नायक ओके तुम पहली बार ज्वाइन कर रहे हो क्या क्रिएटरिक्स यूट्यूब चैनल को इफ यू आर ज्वाइनिंग इट फर्स्ट टाइम ओके वेलकम टू द चैनल यू आर रास मिरंजन नायक ओके तो यू कैन वॉच माई ऑल द कंट्रोल सिस्टम सीरीज यू कैन वॉच माई ऑल कंट्रोल सिस्टम पी वाई क्यू सीरीज नेटवर्क सीरीज सिग्नल सीरीज मेजरमेंट एंड सेंसेज इन इंडस्ट्रियल इंस्ट्रोमेंटेशन ऑन क्रिएटरिक्स यूट्यूब चैनल एंड इट इज एंड uh, हमारे देखो वीडियोस कोई डिलीट होते नहीं है तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हो यस yes, तारिक इज राइट नीलेष राखी मोहिनी तारिक इकबाल सर फर्स्ट टाइम ज्वाइन ओके ओके पहली बार आ रहे हो तो पहली बार आ रहे हो तो यार क्रेटरिक्स यूट्यूब चैनल अन का ही पार्ट है मैं आपको बता दूँ क्रेटरिक्स यूट्यूब चैनल अन का ही पार्ट है तो पार्टनरशिप विद अक... आ, क्रेटरिक्स और अन एक ही बात है ठीक है ना तो अगर आप क्रेटरिक्स यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हो उसका मतलब अन अकाडमी ही पढ़ रहे हो ठीक है चलो तो अन अकेडमी आप डाउनलोड कर लेना यार अन अकेडमी आप डाउनलोड कर लेना और वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लेना माय नेम इज प्रमीत लवास माय नेम इज प्रमीत लवास ओके और आप चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो एट द रेट प्रमित लवास पे जाके एट द रेट प्रमित लवास पे जाओ और मुझे फॉलो कर लो ठीक है चलो ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट लेट्स कम टू दिस पार्ट तो यहां पर देखो समझना लिखते कैसे हैं ट्रांसफर फंक्शन अगर स्लोप नेगेटिव में चेंज हो रहा हो अगर स्लोप नेगेटिव जा रहा हो यानी माइनस ट्वेंटी से जीरो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और जीरो से माइनस ट्वेंटी जा रहा है अगर स्लोप नेगेटिव में जा रहा हो तो फिर डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो देखो पहले स्लोप था जीरो उसके बाद स्लोप हो गया माइनस ट्वेंटी तो कहां पे चेंज हुआ टेन पर तो मैं उसको लिखूंगा कैसे वन प्लस एस बाय टेन कॉर्न फ्रीक्वेंसी उसके बाद माइनस ट्वेंटी से स्लोप कहां चला गया माइनस फोर्टी फिर कम हो गया कितना ट्वेंटी तो मैं लिखूंगा एस बाई फोर्टी अगर मान लो ये स्लोप होता है माइनस सिक्सटी तो फिर मुझे यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ता है अच्छा स्लोप इंक्रीज हो ही नहीं रहा है कहीं पे भी स्लोप कहीं पे भी इंक्रीज नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं लिखेंगे न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं लिखेंगे और यहाँ पर के लिखेंगे गेन अगेन क्या होगा शुरू में कॉन्स्टेंट है ना ये तो ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है ट्वेंटी लॉक के को रिप्रेजेंट करती है नहीं करती करती है तो ट्वेंटी लॉक के टू द बेस टेन इज इक्वल टू वॉट फोर्टी इज टेंडिस टू पार फोर्टी डिवाइड बाई ट्वेंटी दैट इज टू पार टू एंड इज हंड्रेड तो so, यहां पर के जगह अपन क्या लिख देंगे हंड्रेड डिवाइड बाई दिस वन सो ऑप्शन ऑप्शन नंबर राइट आंसर यस चलिए अच्छा हो भी अच्छा मैं वैसे भी कल घूमने जा रहा हूं मैंने तुम लोगों को बताया था हाँ तो हो सकता है मैं अब लाइव ना आऊँ इस हफ्ते हो सकता है अगले हफ्ते में ना आऊँ हाँ तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहना तुम लोग इंस्टाग्राम पे तुम लोग हाँ सॉरी 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 ये फोर्टी कहाँ से आ गया यार टू फिफ्टी आएगा तुम लोग बताते भी तो नहीं हो वही मैं देख रहा हूँ फोर्टी किधर से आया अरे टू फिफ्टी टू फिफ्टी फोर्टी कहाँ से आ गया भाई अरे टू फिफ्टी आएगा भाई हाँ सॉरी 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 हाँ यार वो तो कभी भी फिनिश हो जाएगा जब होना होगा पर मैं तो जा रहा हूँ कल मुझे पता है मैं आज भी गया था रिजॉर्ट तो तो कल तो मैं बाहर जा रहा हूँ यार तारीख यार मुझे भी नहीं पता यार मैं कब आऊँगा हाँ सही में नहीं पता मुझे मैंने आने का टिकट ही नहीं कराया फ्लाइट से मैंने जाने का टिकट कराया आने का मुझे भी नहीं पता हाँ जाने का पता रहता है आने का नहीं पता मुझे मैंने अभी प्लान नहीं बनाया वापस आने का पर वो भी, वो नहीं बता सकता वो तो सीक्रेट है ना वो इंस्टाग्राम पे देखते रहना से पता पड़ जाएगा वो मैं यार घूमने जा रहा हूं मतलब मैं बहुत दिन हो गया मतलब मैं घर पे ही हूं ना तो मेरे को बाहर जाना है बस बात खत्म चलो अब ये गेट 2002 का क्वेश्चन है टू मार्क्स का मैंने तुम्हें बताया था ना प्रोटेक्शन में अपन तो मेडिटेशन करते हैं जो एक्चुअली मेडिटेशन जो भी करेगा वो प्रोटेक्शन में रहेगा ना करोना वरोना कुछ नहीं होता उसको मुझे भी नहीं पता यार वो तो नहीं कहां जा रहा हूं ये तो पता है पर वो आपको इंस्टाग्राम पे पता पड़ जाएगा ना हाँ चेकआउट माई इंस्टाग्राम सो दैट जाने वाले को कौ? अरे भाई तू क्या चाहता है शैलेश अरे यार ऐसी गलत सलत बातें क्यों कर रहा है यार ये मुझे पता नहीं कहां भेज रहा है भाई शैलेश क्या चाहता है तू यार ऐसा ऐसा तो मत बोल यार अच्छा अच्छा बोल यार प्रमित सर के लिए थोड़ी प्रार्थना कर प्रमित सर के लिए दुआ कर प्रमित सर के लिए दुआ करो यार ऐसे तो मत बोलो यार मतलब एक तो तुम्हें एजुकेटर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए मतलब अच्छा अच्छा बोलना चाहिए और तुम कुछ भी बोल रहे हो यार हाँ चलो क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन देखो क्या है द ओपन लूप ट्रांसफर ठीक है ठीक है आई अंडरस्टूड यार नो आर्ट फीलिंग्स ओके द लूप ट्रांसफर फंक्शन एक बच्चा मुझे बोलता है सर मेरा नाम लो कल पता नहीं कोई यूट्यूब सेशन चल रहा था मैं उसका नाम नहीं ले रहा था बहुत देर से तो मुझे बोलता है सर मेरा नाम ले लो प्लीज पता नहीं वो क्या करेगा मैं नाम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा उसकी दुनिया में द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज जीएसएचएस टेन ई टू द दाइनस एल एस ये दे रखा है एल एस द फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज फाइव रेडियन पर सेकेंड द वैल्यू ऑफ डेड टाइम एल ये वैसे ट्रांसपोर्टेशन लैग है आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन लैग होता है जी ओमेगा टी करके जो होता है तो एल दे रखा है यहाँ पे डेड टाइम तो फेस क्रॉस वो फ्रीक्वेंसी पांच दे रखी है और आपसे बोला आंसर बताओ तो देखो यार बहुत आसान होता है फेस क्रॉस वो फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जहां पे फेज एंगल माइनस वन एट्टी के बराबर है तो इसका फेज एंगल निकालो जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा क्या लिखोगे टेन अपॉन जे ओमेगा ई टू दाइनस जे ओमेगा एल तो इसका फेस कितना आएगा वन अपॉन जे ओमेगा मतलब माइनस नाइनटी और ये ई टू पार माइनस ओमेगा तो डायरेक्टली तुम लिख लोगे ना माइनस ओमेगा एल लेकिन ये रेडियन में है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करो वन एट्टी बाय पाई लगा के समझ में आई बात हाँ और फेज क्रॉस होवा फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जो आपको दे रही है पाँच रेडियन पर सेकेंड जब फेज एंगल क्या होता है माइनस वन एट्टी डिग्री सो फेज एंगल को पुट करो माइनस वन एट्टी फेज एंगल को पुट करो माइनस वन एट्टी और ये हो गया माइनस नाइन्टी माइनस ओमेगा कितना है फाइव एल इंटू वन एट्टी डिवाइड बाई पाए इसको सॉल्व कर लो और कुछ नहीं करना है तो फाइव एल को इधर ले लो और ये हो गया माइनस नाइन्टी प्लस वन एट्टी तो ये आपका नाइन्टी डिग्री हो गया माइडियर फ्रेंड्स दिस इज फाइव एल इंटू वन एट्टी डिवाइड बाई पाए तो नाइनटी टू जा वन एट्टी तो एल कितना हो गया आपका पाए अपॉन फाइव इंटू टेन दाए बाय Ten, ये आपका एल की वैल्यू हो गई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यस इज राइट शैलेश राखी मोहिनी अभिषेक चावला राइट 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 देर आर सेवनटीन टू ट्वेंटी आर लाइव एंड एंड ओनली पीपल आर कॉमेंटिंग वट अबाउट अदर स्टूडेंट्स वाई दे आर नॉट कॉमेंटिंग इन द कॉमेंट सेक्शन जरूरी नहीं है कि आप आंसर ही टाइप करो आप इतना सा टाइप कर दो मैं खुश हो जाऊंगा आप ऐसा टाइप कर दो वी आर लाइव

कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो वी आर लाइव अक्षय माने एंड हरीश दोहन ओके जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन विद फ्लावर्स वी आर लाइव वत्सल कुमार राहुल थैंक यू सो मच अब हार्ड वर्किंग तो क्या है इसके अंदर यार ठीक है बच्चों को पढ़ाना तो है ही जस्ट टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन वी आर लाइव ओके लेट्स कम टू दनादर क्वेश्चन गेट टू ये आपका क्वेश्चन है पोलर प्लॉट का ओके नाउ 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 गुड 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 वी 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 आर 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 लाइव 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 एंड लव यू सर थैंक यू थैंक यू सो मच एंड वी आर लाइव ओके मनोरंजन कुमार ओके सो 2004 का क्वेश्चन है तो और ये क्वेश्चन है बेटा आपका टू मार्क्स का क्वेश्चन क्या है देखो पोलर प्लॉट का क्वेश्चन है और आपको पता होगा पोलर प्लॉट स्टार्ट कहां से होता है ओमेगा इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाता है तो देखो ओमेगा इक्वल टू जीरो ये वाला पॉइंट है और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी ये वाला तो ऐसे चलता जा रहा है ना ये ऊपर तक जाएगा और बीच में ओमेगा इक्वल टू टेन है ये ओमेगा इक्वल टू जीरो है ओमेगा इक्वल टू टेन पे फेज एंगल दे रखा है फोर्टी फाइव डिग्री जब ओमेगा इक्वल टू जीरो है तो ये ये कुछ दे रखा है पाँच लेकिन एंगल कितना है जीरो डिग्री यहाँ पर सर आ रीच हैदराबाद टुडे सर आप कब आ रहे हो अरे राहुल ये तो कल वाला स्टूडेंट है यार इतना कितना ऑफलाइन के लिए तुम परेशान हो रहे हो यार कहाँ रहते हो तुम मुझे इंस्टा पे डीएम करना बात कर लेना मुझसे मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना राहुल और बात कर लेना मुझसे एक बार ठीक है चलो मैं बात कर लूंगा तुमसे गजब है यार ओके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तो आप मान लो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर है मान लो ऑप्शन नंबर ए आंसर है एज्यूम कर लो ट्रांसफर फंक्शन है टी एस इक्वल टू माहौल सब जगह अच्छा होता है यार यार तुम मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम मुझे ढूंढ सकते हो कहीं पर भी मैंने बोला आप लोगों को कि आप मुझे गूगल पे सिर्फ सर्च कर लो प्रमीत लवास नाम से आप सिर्फ मुझे सर्च कर लो प्रमीत लवास नाम से और मैं ही इकलौता इंसान हूं इंडिया में जिसका नाम यह है तुम ढूंढ के देख लो कोई और इंसान इस नाम से मिल जाए तो पूरे वर्ल्ड में ठीक है इंस्टाग्राम फेसबुक सब मिल जाएगा और सभी इसी नाम से है दूसरा कोई नाम नहीं है एट द रेट प्रमित लवास नाम से आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक है चलो सर्च माई नेम ऑन द गूगल एंड यू इन फाइंड एवरी थिंग लिंकड इन फेसबुक ट्विटर वट एवर यू वॉन्ट टू फाइंड सो इट इज फाइव वन प्लस जीरो पॉइंट वन जे मेगा ठीक है हाँ लाइब्रेरी तो काफी टाइम से ओपन है यार सब जगह ओपन है अब देखो इसका फेज एंगल निकालो यार राहुल अगर जनरल बात करनी है तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर लेना मैं तुमसे बात कर लूंगा मैं बोल रहा हूं ना तुमको ठीक है चलो इतना बोल दिया और क्या चाहिए पता है तुम्हारे मेरे इंस्टा पे इतने सारे डीएम रहते हैं मैं मैक्सिमम लोगों से बात नहीं करता क्योंकि वो पता नहीं फिर क्या क्या पूछते हैं मैं तुम्हें बोल रहा हूँ डीएम कर देना मुझे मैं बात कर लूंगा चलो अब ओमेगा इक्वल टू टेन पर देखो वैल्यू कितनी आएगी अगर ओमेगा इक्वल टू टेन पे फेज एंगल आप निकालते हैं तो ये कितना होता टेन इनवर्स वन तो टेन इनवर्स वन का एंगल होता फोर्टी फाइव डिग्री तो देखो ओमेगा इक्वल टू टेन पर फेज एंगल आ रहा है फोर्टी फाइव डिग्री सिमिलरली ओमेगा इक्वल टू जीरो रख लो तो फेज एंगल आपका हो जाता टेन इनवर्स जीरो पॉइंट वन इंटू जीरो यानी जीरो डिग्री और मुझे बताओ ओमेगा इक्वल टू जीरो पे जीरो डिग्री लाइन आ रही है नहीं आ रही है आ रही है ठीक है हाँ तो ये पांच आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं आपको तो फेज एंगल से मतलब है तो काम हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट right आंसर है मैग्नीट्यूड से मैच करोगे तो भी आ जाएगा मैग्नीट्यूड से मैच करोगे तो भी आ जाएगा ठीक है हाँ मैग्नीट्यूड से मैच करोगे तो भी, हाँ। भी आ जाएगा चलो नेक्स्ट पार्ट 2004 का क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन है दो मार्क का ई टू पार माइनस पॉइंट वन इज डिवाइड बाय वही जो आपका ट्रांसपोर्टेशन लैग है उसी का क्वेश्चन है

ये आपको दे रखा है ई टू द पार माइनस पॉइंट वन एस डिवाइड बाय एस अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो निकिल पोता बतीनी ओके निखिल ऑप्शन सी ओके लेट मी लेट मी सॉल्व इट लेट मी सॉल्व इट फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बतानी है तुमको यहाँ पर बताओ वट इज द वैल्यू ऑफ फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी माई डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी यस तो बहुत आसान है यार देखो इसका फेज एंगल निकालो सबसे पहले पहले तो इसको ओमेगा में लिखो जी ऑफ जी ओमेगा येस 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 सी इज द राइट आंसर एवरीबडी राखी अभिषेक मोहिनी नीलेष निखिल तारीख राइट तारीख इज रॉन्ग एवरीबडी इज राइट एस को जी ओमेगा पुट करो इसका फेज एंगल निकालो तो वन अपॉइंट ओमेगा माइनस नाइनटी माइनस पॉइंट वन ओमेगा इसको डिग्री में करो तो वन एट्टी बाई आपका फेज एंगल हो गया और आपको फेस क्रॉस निकाली तो फेस को माइनस वन एट्टी के बराबर करो तो ये हो जाएगा पॉइंट वन ओमेगा इंटू वन एट्टी बाय पाएस टू माइनस नाइनटी प्लस वन एट्टी दैट इज नाइन्टी डिग्री तो नाइनटी टू जा वन एट्टी तो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पाए अपॉन पॉइंट वन इंटू टू सो इट इज पाए अपॉन जीरो पॉइंट टू सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी यस मनोरंजन इज ऑल्सो राइट अभिषेक राखी एवरीबडी इज राइट यस ओके लेट्स कम टू द क्वेश्चन ऑफ गेट टू थाउजेंड फोर दो हजार चार का एक और क्वेश्चन है देखो क्या है ये भी दो मार्ग का ही है अंकित सर शुड प्रमोट यू बेटर बाय लॉन्चिंग यू लाइक अदर फैकल्टी जस्ट अ फीलिंग आपके बारे में स्टूडेंट्स को अभी कम पता है हाँ <laughs> यार हद है ऐसा कुछ नहीं है यार बेसिकली <laughs> क्या होता है जब आप पढ़ाते हो ना तो एक ठप्पा सा लग जाता है मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन 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 जबकि देखो मैंने तुमको सिग्नल सिस्टम करा दिया मैंने तुम्हें नेटवर्क करा दिया मैं तुम्हें कंट्रोल करा रहा हूँ मैं तुम्हें मेजरमेंट करा रहा हूं मैं तुम्हें ट्रांसड्यूसर करा रहा हूँ तो मैं तो सब कुछ ही लेता हूँ उसमें क्या दिक्कत है पर मैं सब्जेक्ट्स नहीं ले सकता क्योंकि आई के लिए स्पेसिफाई है तो मैं आपका पी वाई क्यों ले रहा हूं उसमें क्या दिक्कत है ठीक है ऐसा किस किस को लगता है राहुल जो टाइप कर रहा है ऐसा किस किस को लगता है एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है ऐसा किसने कहा आपसे ऐसा कुछ भी नहीं यार ऐसा मत सोचो संदीप मोदक सर गिव अस फुल कोर्स यार फुल कोर्स के लिए तुम्हें अंकित सर को मैसेज करना पड़ेगा उसके लिए हाँ अगर तुम चाहते हो कुछ मुझसे पढ़ना तो फिर अंकित सर को आपको मैसेज करना पड़ेगा उसके लिए ओके यस ओके हाँ और ऐसा नहीं है राहुल यार है ना मतलब हाँ जस्ट लगा मुझे सर को सो बताया ओके थैंक यू राहुल फॉर कॉमेंटिंग एंड फॉर द रिव्यूज पॉजिटिव रिव्यूज थैंक यू सो मच ओके लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन गाइस यार इलेक्ट्रिकल के लिए कर तो रहा हूं मैं मेजरमेंट ले तो रहा हूं आप लोगों का और क्या चाहिए आप बताओ मेजरमेंट में आपका ले रहा हूं मेजरमेंट मैंने आपका पूरा का पूरा सिलेबस करा दिया है और पी क्यू इलेक्ट्रिकल और ईसी का मैं स्टार्ट ऑलरेडी कर चुका हूं स्पेशल पर तुमको पता ही है नेटवर्क का जब नेटवर्क खत्म हो जाएगा तो मैं कंट्रोल का भी करा दूंगा अभी यहां पर आई चल ही रहा है सिस्टम वन एंड सिस्टम टू ठीक है this is gs and this is gs 1 upon 2s plus 1 1 upon 5s plus 1 the true statement regarding the system is bandwidth of the system 1 is greater than bandwidth of system 2 bandwidth of system 1 is lower than ya barabar hai ya infinity ke barabar hai batao answer 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 batao तो यार देखो तुमको पता होगा टाइम कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकेशन ऑफ द रियल पोल पता है ना ये फॉर्मूला टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है अगर किसी का टाइम कॉन्स्टेंट निकालना है सिस्टम का तो वो क्या होता है लोकेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल टाइम कॉन्स्टेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल कोई बात नहीं राहुल यार जस्ट अब फॉर गॉट ऑल दीज थिंग्स है ना डोंट वरी अबाउट दिस डोंट वरी अबाउट दिस ओके थैंक यू ये सब लिखने के लिए तुमको पर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे है ना हाँ देखो यार प्रमीश सर की एनर्जी प्रमीत सर की रहेगी ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे डोंट वरी डोंट वरी अबाउट दैट है ना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे तो ऐसा कुछ भी किसी भी एजुकेटर के लिए यहाँ पे कमेंट्स मत लिखो यार प्लीज है ना ऐसा मत करो है ना ऑल आर गुड सब आपके लिए हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ा पॉजिटिव वाइब रखो और सिर्फ तुम इतना ध्यान रखो यार मेरे भाई समझना बात को सिर्फ तुम लोग इतना ध्यान रखो सिर्फ तुम लोग इतना ध्यान रखो कि तुम यहां पर पढ़ने आयो और जुलाई अगर तुम गेट 2021 के लिए एलिजिबल हो ना मेरे भाई तो एग्ज़ाम के बाद यानी एक जुलाई से लेकर वो जो जुलाई का महीना होगा ना उसमें तीन जुलाई को तुमको पता होना चाहिए तुम इतना ध्यान रखो कि तीन जुलाई को तुमको पता होना चाहिए कि या तो तुम्हें एम करनी है या तुम्हें पी मिल रहा है इसके अलावा तुम्हारा ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि तुम्हें एम मिल रही है, है या पी मिल रहा है और कहीं ध्यान मत दो बात समझ में आ रही है एंड ऑल द फैकल्टीज आर वेरी गुड सारे सबको लोग अच्छे होते हैं लाइव में कुछ ऐसे ही बोल दिया होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वी ऑल आर फ्रेंड्स कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ठीक है तो मैं आपको बता रहा हूं कि एम या पीएसयू आपको पता होना चाहिए कि यार तीन जुलाई को और तीन जुलाई को मेरा बर्थडे होता है इसलिए बता रहा हूं मैं जैसे ही तुम्हारी बीटेक कंप्लीट हो जाए जून में तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें तीन जुलाई को मतलब जुलाई के महीने में तुम्हें ये मालूम होना चाहिए मार्च में जब रिजल्ट आया ना गेट का कि तुम या तो एमटेक करने जा रहे हो या तुम्हें नौकरी मिलने वाली इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं सोचना है इन दोनों के अलावा तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए अंडर पांच के अंदर रैंक लेके आना है हाँ मेरा दिल तो बड़ा है मैं तो मेडिटेशन करता हूं देखो यार मैं बहुत बैलेंस रहता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से तुम देखो मेरे चेहरे पे कभी मतलब हमेशा मैं हंसता ही रहूंगा कभी ऐसा मैं दुखी नहीं होता हूं ठीक <laughs> है तो तुम बस मजे करो ज्यादा सोचो मत तुम ये देखो यार तुम यहां से पॉजिटिव क्या ले सकते हो तुम ये देखो अन से तुम्हें क्या मिल रहा है ठीक है ना तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे मैं काफी एक्टिव हूं रोज एक बार मैं लाइव आता ही लाता हूँ नौ बजे आठ बजे है ना तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो एट द रेट प्रमित लवास पर वहां पे मैं तुमसे मिल लूंगा जितने भी लोग लाइव हूं तो आपको बस ये देखना है यार कि जुलाई में जुलाई में जब आपका वो मतलब जब देखो फरवरी में आप एग्जाम दोगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जब मार्च आएगा ना तो आपको पता होना चाहिए जिस दिन रिजल्ट आए कि यार या तो मैं एनआईटी या आई आई टी से एम टेक करूंगा या पीएसयू करूंगा ये जो आइडिया होता है ना कि मैं ड्रॉप करूंगा ये सबसे बेकार आइडिया होता है ये ट्वेल्थ के बाद भी बच्चे करते हैं अरे जिसका होना है वो ट्वेल्थ में भी हो जाएगा जिसका यहां पर होना है वो बाद में भी हो जाएगा ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूं थैंक यू राखी फॉर कमेंटिंग हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आपको ये पता होना चाहिए ना यार कि मैं मुझे करना क्या एक ही दह होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचते रहो यार गेट की तैयारी कर रहे हैं अगले साल भी करते रहेंगे चौबीस महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं अरे भाई होना है तो इसी साल हो जाएगा और नहीं होना है तो अगली साल एक बार ड्रॉप कर सकते हो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर मैं गेट ही देता रहूँगा कुछ बच्चे मुझे मिलते हैं वो मुझे बोलते हैं सर मैं चौबीस साल का हो गया पच्चीस साल का हो गया मैं गेट ही गेट दिए जा रहा हूँ अरे भाई कितने साल देगा भाई फाइनल ईयर में तुम एग्जाम दो एक बार मतलब लगा के दो तुम ये देखो यार फरवरी जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है आठ फरवरी सात फरवरी को उससे पहले तुम्हारे पास ना शादी के लिए टाइम है ना किसी के यहाँ खाना खाने का टाइम है ना पार्टी का टाइम है ना बाहर घूमने का टाइम है तुम ये देखो कि सात फरवरी से पहले तुम्हें एग्ज़ाम निकालना है कैसे भी कर कर और अंडर पाँच रैंक लाना है बाढ़ में गई दुनिया तुम्हें कोई लेना देना नहीं किसी से ठीक है क्योंकि कोई पूछने नहीं आएगा ना कोई पूछने नहीं आएगा आपसे कोई पूछने नहीं आएगा आपसे बाद में कोई पूछने नहीं आएगा आपसे कि आपका एग्जाम क्यों नहीं निकला आप बोलोगे नहीं यार मेरा तो ये सब्जेक्ट ठीक नहीं था तो आप पॉलिटिक्स में ध्यान मत दो आप ये देखो कि आपका एग्जाम कैसे निकलेगा बस इस पर ध्यान दो और कुछ ध्यान मत दो ठीक है? हाँ, है ना टू थाउजेंड नाइन ट्वेंटी थ्री चलो टाइम कॉन्स्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो द लोकेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल आप समझ लो ध्यान से टाइम कॉन्स्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो लोकेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल ठीक है तो बैंडवित मैंने तुम्हें बताई

बाकी सब लोगों ने पहले ही बता दिया था कि ये आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो यार मैंने गेट निकाल रखा है एनपीसीआई निकाला हुआ है मेरा ओएनजीसी निकला हुआ है इसरो निकला हुआ है मैंने आज तक सोलह इंटरव्यू दिए हैं सिक्सटीन इंटरव्यू गेट 2006 का क्वेश्चन है टू मार्क्स का देखो गेट 2006 का क्वेश्चन है टू आर्स का <laughs> अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है। यार राहुल हद है तुम एक बार मुझे डीएम तो करो मुझे पता तो पड़ना चाहिए राहुल कौन है यार फेसबुक पे या कहीं पे डीएम करो मुझे पता पड़ना चाहिए ना इस शक्ल का इंसान कौन है ठीक है चलो गेट 2006 का क्वेश्चन करो दो मार्क का क्वेश्चन है गेट 2006 का क्वेश्चन है दो मार्क का क्वेश्चन देखो क्या है ओमेगा आपका आ रहा है टू रेडियन पर सेकेंड टू थ्री फोर फाइव सिक्स फा, एट फा, टेन मैग्नीट्यूड आपका आ, आ, आ रहा है सेवन पॉइंट फाइव फोर पॉइंट एट थ्री पॉइंट टू पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट सेवन जीरो वन एंड पॉइंट सिक्स फोर ठीक है तो ओमेगा मैग्नीट्यूड और फेज एंगल ये आपके आंसर्स हैं तो गेन और फेज मार्जिन ऑफ द सिस्टम क्या होगा गेन और फेज मार्जिन ऑफ द सिस्टम क्या होगा जल्दी से मुझे बता दो 2006 का क्वेश्चन है टू मार्क्स का बताओ 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 जल्दी से गेन और फेज मार्जिन क्या होगा फिर सेशन को एंड करेंगे एक दो क्वेश्चन और करके सेशन को एंड करेंगे फिर ठीक है चलो और पता है तुम्हें सब मुंह आया है फिर मिलना हो या ना हो सब मुंह आया है वैसे भी है ना हाँ ये तो मेरा डायलॉग है यार तुम्हें किसने बताया ये तो मैं प्रमोट करता हूं सब मुंह आया है कहां सुना तुमने ये वही वाली बात है ना कल गाना बताया था ना मैंने तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। समझ रहे हो ना हाँ तो लाइव के लिए यार सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट मुझसे जुड़े तो स्टूडेंट का आना बहुत जरूरी है लाइव में और एजुकेटर तभी पढ़ा सकता है जब बच्चा लाइव आ जाए चलो ठीक है यार अब मैं काफी बात कर ली मैंने लोगों से तो तो इधर इधर फटाफट फटाफट से, आ फटा फट से। 2006 का क्वेश्चन है टू मार्क्स है मैग्नीट्यूड फट की कुछ वैल्यू दे रखी फेज एंगल कुछ दे रखा है गेन मार्जिन और फेज मार्जिन आपको कैलकुलेट करना है फेज तो मार्जिन क्या होता है फॉर्मुला होता है 180 of G of G और फेज मार्जिन कहां पे निकालते Gain, पर निकालते हो गेन फ्रीक्वेंसी पर फेस मार्जिन कहां पे निकालते हो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर निकालते हो ना अब देखो समझना बात को ठीक है अब समझना गेन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जहां पर मैग्नीट्यूड वन है अब मुझे बताओ मैग्नीट्यूड वन कहां पर है यहां पर तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा जीसी और ओमेगा जीसी पर फेज एंगल कितना है माइनस वन सेवेंटी तो फेज मार्जिन हो गया टेन डिग्री आ या नहीं हुआ गेन मार्जिन क्या होता है वन अपॉन मैग्निट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा वन अपॉन मैग्निट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एट फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यही लिखते हैं फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है फेस क्रॉस ओवर वो फ्रीक्वेंसी जहां फेस एंगल कितना है माइनस वन एट्टी तो ये आपका टेन क्या हो गया फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड कितना पॉइंट वन सिक्स फोर इसको मुझे डीबी में निकालना है गेन मार्जिन मुझे चाहिए डीबी में ट्वेंटी लॉक टू दीक है वन अपॉन पॉइंट सिक्स फोर So, अब इसका आंसर क्या होगा थ्री पॉइंट एट एट डी बी थ्री पॉइंट एट एट डी बी इज द राइट आंसर एंड टेन डिग्री सो थ्री पॉइंट एट एट डी बी इज द गेन मार्जिन एंड टेन डिग्री इज द फेज मार्जिन थ्री पॉइंट एट एट डी बी इज द गेन मार्जिन एंड टेन डिग्री इज द फेज मार्जिन ठीक है चलो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर येस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर माइडियर फ्रेंड्स वन मोर क्वेश्चन वी हैव वन मोर क्वेश्चन वी हैव वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू कैल्कुलेट द फेस क्रॉस मार्जिन क्वेश्चन दो हजार आठ का क्वेश्चन है दो मार्क का दो और दो चार कॉमन डेटा क्वेश्चन है दिस इज द कॉमन डेटा क्वेश्चन माइ डियर फ्रेंड्स ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है इसको लगाना मत भूलना दिस इज कॉमन डेटा क्वेश्चन बताओ नए दिन पे आ गए अपन बारह बज के दो मिनट हो गई देखो कॉमन डेटा क्वेश्चन है कंसिडर आई यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस टू वन प्लस इन रेडियन पर सेकेंड इज वॉट एंड द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम इज वॉट तो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी क्या होगी और गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम इज वॉट गेन मार्जिन कितना होगा फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कितना होगा बताओ दो चीजें यहां पर कैलकुलेट करनी है फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड गेन मार्जिन बताओ अरे भाई अभी हैप्पी बर्थडे नहीं आ रहा भाई तीन जुलाई को आएगा हाँ अभी मैं जा थोड़ी रहा हूं अभी जाने वाले को कौन रोक सकता है वो स्थिति थोड़ी है मेरी हाँ समझ रहे हो तो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी आ रही है और गेन मार्जिन कितना आ रहा है जल्दी से बता दो अरे भाई ये क्या चालू करवा दिया तुमने देखो बच्चे हैप्पी बर्थडे अरे हैप्पी बर्थडे नहीं है भाई मेरा कौन बोल रहा है सा? फेस है? <laughs> उसको लग रहा है रात को बारह बज गए सर का बर्थडे है तो विश कर हद है यार वो पढ़ भी नहीं रहा है बता ध्यानेश्वर क्या कर रहा है फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जहां फेज एंगल माइनस वन एटी डिग्री के बराबर है तो उसका फेज एंगल निकालो भगवान बचाए तुम लोगों से यार ये जे ओमेगा का स्क्वायर वन प्लस जे ओमेगा अरे मैं लाइव रहता हूं यार इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूं तुम एक बार जाके देखो तो सही प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूं मैं चलो इसका एक बार फेज एंगल निकाल लो लास्ट दो मिनट है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो इसका फेज एंगल निकाल लो कितना आएगा अगर मैं इसका फेज निकाल मेरे भाई तो वो आ जाएगा माइनस वन प्लस टेन इनवर्स सिक्स ओमेगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा माइनस टेन इनवर्स टू तो ओमेगा ठीक है तो फेज एंगल कितना है फेज एंगल इज़ वॉट माइनस वन एटी डिग्री एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फेज क्रॉस हो फ्रीकवेंसी सो यू कैन राइट इट लाइक दिस माई डियर फ्रेंड्स माइनस वन एटी इज इक्वस टू माइनस वन एटी डिग्री प्लस टेन इनवर्स इसको लिखो सिक्स ओमेगा पी सी जो आपको कैलकुलेट करना है माइनस टेन इनवर्स ओमेगा पी सी माइनस टेन इनवर्स टू ओमेगा पी सी तो इज इज वन एटी एंड वन एटी कैंसल आउट एंड दिस विल कम आउट टेन इनवर्स ओमेगा पी सी प्लस टेन इनवर्स ओमेगा पी सी इज ईक्वल टू टेन इनवर्स सिक्स ओमेगा पी सी तो ये टेन इनवर्स ओमेगा पीसी प्लस टेन इनवर्स टू ओमेगा पीसी इज इक्वल टू वॉट टेन इन्वर्स सिक्स ओमेगा पी सी इसको सॉल्व करो तो आई एम सॉल्विंग इट ऑन द नेक्स्ट पेज तो इसको क्या लिखेंगे टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स सिक्स ओमेगा पीसी तो टेन इनवर्स टेन इनवर्स कैंसिल आउट थ्री ओमेगा पीसी अपॉन वन माइनस टू ओमेगा पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स ओमेगा पीसी दिस एंड दिस कैंसिल आउट थ्री टू जिक्स सो दिस विल बिकम टू माइनस फोर ओमेगा पीसी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन वन इज इक्वल टू फोर ओमेगा पी सी स्क्वेयर एंड ओमेगा पी सी इज वन बाय फोर सो ओमेगा पी सी इज वॉट इज पॉइंट फाइव दिस इज द फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड तारीख बोल रहे सर बारह बज के छह मिनट हो गई है हाँ मुझे पता है आप क्या करें क्वेश्चन तो कराऊं नहीं कराऊं <laughs> तुम सोके भी क्या करोगे कौन सा तुम सो ही रहे हो सब एक बजे से पहले अभी जैसे ही मैं क्लास बंद करूंगा तुम मोबाइल देखोगे आधा घंटा तो सोने से पहले तो फिर यही देख लो क्या फर्क पड़ता है रात को चार बजे तक भी पढ़ा सकता हूं मैं तो। आज मुझे नींद नहीं आ रही ना हाँ गेन मार्जिन क्या पता अपना लास्ट डे हो आज ये भी तो हो सकता है ना आज लास्ट डे हो प्रमी सर इसलिए पढ़ा रहे हो तुमने ये सोचा कभी मैं इतनी बातें कभी तुम लोगों से नहीं करता आज बातें कर रहा हूं इसका मतलब हो सकता है ना आज सरकार लास्ट डे हो गेन मार्जिन गेन मार्जिन इज इक्वल टू वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा एट फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी सो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी तो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर मुझे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना हो तो तब कैसे निकालेंगे ठीक है देखो अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं मैं पीछे वाले पेज पर पे निकाल रहा हूं यहां तो नहीं निकलेगा देखो आपका जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा क्या लिखोगे बच्चों वन प्लस सिक्स जे ओमेगा डिवाइड बाय जे ओमेगा स्क्वायर वन प्लस जे ओमेगा एंड वन प्लस टू जे ओमेगा ऐसे लिखोगे मेरे बच्चों तो यहां पे देखना अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये हो जाता वन प्लस सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर रुट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस फोर ओमेगा स्क्वायर इसको यहां पे पुट करो तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस फोर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट वन प्लस थर्टी सिक्स ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वन बाय फोर पुट करो ओमेगा की वैल्यू वन बाय टू पुट करो और गेन मार्जिन यहां से कैलकुलेट कर लो तो ये आएगा जीरो पॉइंट वन टू फाइव तो गेन मार्जिन आपका 0.125 आ गया यानी ऑप्शन नंबर ए और आपका फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना आ रहा था बेटा हाफ यानी 0.5 यानी ऑप्शन नंबर सी तो एक बार ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया अभी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी कि आंसर कैसे आ रहा है तो यार देखो मैं वापस से बोल रहा हूँ अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है आप लोगों ने तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस क्रैश कोर्सेज वीकली टेस्ट डाउट सॉल्विंग सेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लास मिलने वाली है रैंक इंप्रूवमेंट बैच मिलने वाला है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे मेरे भाई तो पर्सनल कोचिंग गाइडेंस स्टडी प्लानर मिलेगा स्टडी बूस्टर सेशन मिलेगा पर्सनलाइज इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए एनअकाडमी का तो फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आइकॉनिक की जो फीस है वह है चालीस हजार पाँच सौ और कुछ भी आपको जनरल डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ क्या पता अपन मंडे को नहीं मिले आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए मेरे भाई तो चालीस हजार पांच सौ फीस दे दो प्रमिट टेन कोड लगा देना प्रमिट टेन कोड लगा देना मेरे भाई चौपन हजार रुपए फीस है अगर आप टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का सब्सक्रिप्शन चाहिए या फिर गेट दो हजार बाईस का सब्सक्रिप्शन चाहिए मेरे भाई तो फिर प्रमिट टेन कोड लगा देना टू तो गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन एन अकाडमी प्लस सब्सक्रिप्शन टू गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन एनअकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन माई डियर फ्रेंड्स प्रमिट टेन करोड जरूर लगा देना आइकॉनिक के लिए प्रमिट टेन कोड जरूर लगा देना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए ठीक है चलिए तो यार देखो स्पेशल क्लासेज आप मेरी अटेंड कर सकते हो डीएफटी की ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो स्पेशल क्लासेज अगर आप देखना चाहते हो तो रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेज है डी की वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए प्लीज़ फॉलो मी ऑन अन अकाडमी तो सबसे पहले अन अकेडमी आप डाउनलोड करो और वहां पे मुझे फॉलो करो डाउनलोड अन अकेडमी ऐप और एट द रेट प्रमीत लवास पर मुझे फॉलो कर लो ठीक है चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग है बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पे जुड़े आप लोग थैंक यू सो मच दिस इज प्रमीत लवास साइनिंग ऑफ राइट है राइट नाउ थैंक यू सो मच गाइज गुड नाइट एंड गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग है प्रणाम नमस्ते जय हिंद दोस्तों